Today we are going to discuss about an international body, World Trade Organization. Bete, this international body came into being on January 1, 1995. It was replaced by General Agreement on Trade and Tariffs. WTO से पहले एक बॉडी थी जिसको हम GATT के नाम से बुलाते थे, GATT, ठीक है? GATT was established in the year 1948 with 23 member countries, ठीक है? ये भी एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन 1995 में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी, हमें GATT को रिप्लेस करना पड़ा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हमने नाम दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट वाज फाउंडेड ऑन January 1, 1995, ठीक है बेटे. ये जो WTO है, इट इज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम. ये किसके ऊपर फोकस करती है? रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आज के बाद जो भी ट्रेड होगा अमंगस्ट वेरियस कंट्रीज, इट विल बी रूल बेस्ड. WTO के अंदर डिफरेंट रूल्स होंगे. WTO का जो फ्रेमवर्क होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ वेरियस रूल्स. दीज रूल्स विल हैव टू बी फॉलोड बाय द वेरियस कंट्रीज. इसकी जो कंट्रीज हैं, जो इसकी मेंबर हैं, सो फार 164 कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ WTO. इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO, ठीक है? इंडिया WTO की फाउंडर मेंबर रही है. बेटे ये MCQs आ जाते हैं. When was WTO formed? Full form of WTO. By which organization was it replaced? ठीक है. How many member countries are there in WTO? And WTO is a one rule based trading regime. B is not based on rule trade. Rule based trading regime. ठीक है. तो इस तरह का कोई भी आपको ऑप्शंस दे सकते हैं. आपको क्या पता होना चाहिए? इट इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम, यानी आज के बाद जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, वो बिना रूल्स फॉलो करे कोई भी ट्रेड नहीं कर सकती हैं. नाउ WTO इज परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. WTO का बेसिक पर्पस क्या था? टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड. इससे पहले आपने देखा, आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, इंडिया में 1990 तक कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी इंपोर्ट्स के ऊपर. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी थी, है ना? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लाइक, कैन यू टेल मी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंपोर्ट्स? हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? कोटास. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को क्या नाम देते हैं? इंपोर्ट कोटास. हमने एक क्वांटिटी फिक्स कर दी थी, कोटा फिक्स कर दिया था, इससे ज्यादा हम अपनी कंट्री में ये पर्टिकुलर कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. इसी तरह हाई रेट ऑफ टैरिफ था. जस्ट लाइक इंडिया, मेनी अदर कंट्रीज, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ फॉरेन ट्रेड, सो दे हैड पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर ट्रेड. तो बेटे, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस अपने ट्रेड के ऊपर लगाते हैं, यानी फॉरेन ट्रेड डिस्करेज होता है, उसका एक नुकसान है. नुकसान क्या है? या एक फायदा हम फॉरेन ट्रेड का नहीं उठा पाते. फॉरेन ट्रेड हमें एक बेनिफिट देता है. क्या बेनिफिट देता है? इट लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सी, रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी जो है वो ग्लोबल फिनोमिना है. सिर्फ इंडिया में ही नहीं रिसोर्सेज की कमी. क्या सिर्फ इंडिया में रिसोर्सेज की कमी है? All over the world resources are in scarcity. ठीक है, that is their supply is less than their demand. So, should we make optimum utilization of our resources or not? Yes,
लेकिन हर कंट्री क्या करती है, जैसे इंडिया ने भी पॉलिसी फॉलो की हुई थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, हमें कोई चीज बनानी नहीं आती है, हम फिर भी उसको अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम यूएस से वो कंट्री वो गुड इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमें 5 पैसे का पड़ता है, लेकिन हम अपनी कंट्री में बनाते हैं तो हमें 5 रुपए का पड़ता है, फिर भी हम कहते हैं हमने अपनी कंट्री में बनाना है, हमने तो सेल्फ रिलायंट होना है, हमने अपनी फॉरेन एक्सचेंज बचानी है, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, ऐसे ही किया ना हमने। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है, मैंने एक टेलर को दिया जो कि स्पेशलिस्ट है उसमें, और उसने 10 मीटर में से 10 शर्ट्स बना दी। मैंने बी टेलर को दिया जो कि इस काम में स्पेशलिस्ट नहीं है, उसने 10 मीटर में सिर्फ 4 शर्ट्स बनाई थी। तो किसको बनानी चाहिए, ए को, ठीक है। अब फिर मैंने वाइस वर्षा कर दिया, मैंने ए को ट्राउजर बनानी दे दी, बी को भी ट्राउजर बनानी दे दी, तो बी ने 10 मीटर में से 10 ट्राउजर्स बना दी, ए ने 10 मीटर में से सिर्फ 4 ट्राउजर्स बना दी। अब आपको क्या लगता है, ए और बी को शर्ट और ट्राउजर दोनों बनानी चाहिए? ए को किसमें, ए किसमें स्पेशलिस्ट है, शर्ट्स की प्रोडक्शन में, तो उसको क्या करना चाहिए, शर्ट की प्रोडक्शन, बट वो ट्राउजर कहां से लाए, उसको तो ट्राउजर भी चाहिए, उसको शर्ट सरप्लस में बना के बी को बेच देनी चाहिए, क्योंकि बी शर्ट्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज नहीं करता, ये करता है, तो ये जिस चीज में स्पेशलिस्ट है उसकी प्रोडक्शन ये ज्यादा बनाएगा और सरप्लस बी कंट्री को बेच देगा। और ट्राउजर कहां से लाएगा, सेम स्ट्रेटजी विल बी फॉलोड बाय बी, बी ट्राउजर्स की प्रोडक्शन करेगा और सरप्लस प्रोडक्शन ए को बेच देगा, ऐसे ही होना चाहिए। इससे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर ए और बी दोनों जिद पकड़ के बैठ जाएं कि हमने शर्ट्स और ट्राउजर दोनों ही बनानी है, तो वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। यस, शुड वी मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवर रिसोर्सेज और नॉट? यस, व्हाट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉरेन ट्रेड। So that's why WTO focused on liberalizing the foreign trade. ठीक है, ये पर्पस था WTO का, कि एक फेयर कॉम्पिटिशन को प्रमोट करना है, ठीक है, there should be a fair competition on international level and to remove all types of tariffs and non-tariff barrier. WTO focused on रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड। कौन से बैरियर्स लगाए हुए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, टैरिफ बैरियर भी, नॉन टैरिफ बैरियर भी। टैरिफ बैरियर मीन्स ड्यूटी लगा दी, 100 रुपए का गुड है 250 रुपए की ड्यूटी लगा दी, ये टैरिफ बैरियर, गुड बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, है ना, 350 का कौन खरीदेगा, ये टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आप ये वाला गुड 2 से ज्यादा खरीद ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो बेटे WTO का पर्पस क्या था, टू प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है, ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए थे कंट्रीज ने अपने गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रोकने के लिए, उनको रिमूव करना। नाउ जब WTO केम इनटू बीइंग, इट बेटे हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। इससे पहले सर्विसेज का ट्रेड बहुत कम होता था, रेयर होता था, ठीक है, तो WTO हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये इस दैट वाज द रीजन व्हाई WTO वाज फॉर्म्ड, मेनली टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड, टू प्रमोट फेयर कंपटीशन एंड टू रिमूव टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, राइट। नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, तो हम शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। नंबर वन ऑब्जेक्टिव वही जो मैंने अभी बताया, टू इंश्योर द रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड।
WTO came into being to reduce barriers on international trade, both type of barriers, tariff as well as non-tariff barriers. Then to enlarge the production of goods and services. जब आप barriers remove कर देंगे, अगर इंडिया के ऊपर पहले यूएस ने कहा था हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब उन्होंने वो बैरियर्स हटा दिए, वो इंडिया से इंपोर्ट करने को तैयार हैं, तो यू बीइंग इंडियन विल डू व्हाट, यू विल प्रोड्यूस मोर और नॉट सो दैट यू कैन सेल टू अदर कंट्रीज. अर्लियर यू वर प्रोड्यूसिंग ऑन स्मॉल स्केल. व्हाई? क्योंकि आपको लगता था इन गुड्स की डिमांड इंडिया में है नहीं है इतनी, ठीक है, तो हम गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, ये तो वेस्ट जाएंगे. लेकिन जब WTO आ गई बॉडी और उसने फॉरेन ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, यानी कि अब सारी कंट्रीज ने अपने बैरियर्स हटा दिए, ठीक है, तो क्या होगा, यू विल प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल और नॉट. सो गुड्स और प्रोडक्शन की सर्विसेज को बढ़ाना वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, ठीक है. नेक्स्ट, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज. क्योंकि जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, यानी हम सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं हम हर चीज की प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करें, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है. जो फॉरेन ट्रेड है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यानी आप उस चीज की प्रोडक्शन करो जिसमें आपकी कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम आती है. अब इंडिया देखो एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करता है, तो उसका एक्सपोर्ट करता है ना. कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा है इंडिया में, या ज्यूल्स की, डायमंड्स की प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इन चीजों की प्रोडक्शन वो बढ़ा के इसको एक्सपोर्ट करता है. अब पेट्रोल नहीं है हमारी कंट्री में, कहां पे है, गल्फ कंट्रीज में है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे. क्योंकि अगर हम इंडिया में उसकी प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाएगी, राइट. सो इट इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन टू प्रोवाइड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज. इसकी मेंबर कंट्रीज 164 हैं, ठीक है. अब जब सारी कंट्रीज अपने बैरियर्स रिड्यूस कर देंगी तो मार्केट बढ़ जाएगी या नहीं, मार्केट विल इंक्रीज. सो ग्रेटर मार्केट एक्सेस. अब आप देखो इंडिया में फॉरेन गुड्स बिकते हैं, यानी फॉरेन कंट्रीज का एक्सेस इंडिया की मार्केट तक है, दे आर बेनिफिटेड बाय अ ग्रेटर साइज ऑफ मार्केट. सेम इज द केस विद इंडिया, इंडिया ऑल्सो हैज एक्सेस टू ग्रेटर साइज ऑफ मार्केट. देन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO. To protect environment, ठीक है. It also settle disputes among the member countries. अब क्योंकि बेटे ये rule based trading regime है, तो कुछ कई बार ऐसे होता है कुछ countries rules को follow नहीं करती हैं, ठीक है, violate कर देती हैं, they are in violation of the rules. तो उस case में dispute हो जाता है countries के बीच में, तो वो dispute कौन solve करता है, WTO, ठीक है. These are the objectives of WTO. India is one of the founder member of WTO. ठीक है, objectives clear हो गए WTO के. So इतना कोई करना हमने WTO के बारे में. Next हम करते हैं बेटे goods and services tax. सुना हुआ आप सबने GST. कब introduce हुआ था, 1 July 2017. लिख लो, introduced 1 July 2017. कौन सी गवर्नमेंट ने किया, बीजेपी, ठीक है, नरेंद्र मोदी के अंडर बीजेपी. दो इट वॉज विजुअलाइज्ड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है. जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो किसने विजुअलाइज किया था, अटल बिहारी वाजपेयी. बेटे ये जो जीएसटी का कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री वन मार्केट वन टैक्स. हमारी एक कंट्री है तो उसको एक मार्केट गिना जाना चाहिए और पूरी कंट्री के ऊपर एक यूनिफॉर्म टैक्स लगना चाहिए.
इससे पहले क्या होता था, देयर वर मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ टैक्सेस, सेल्स टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, वैट होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, ठीक है। अब लेट अस से रॉ मटेरियल बना, आयरन एंड स्टील बना, तो उसकी जब प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। 100 रुपए का गुड बना, 20 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगी, 120 रुपए का हो गया, तो जिसने ये खरीदा उसको कितने का पड़ा, 120 का, उसमें से 20 रुपए उसने क्या दिया, टैक्स। उसने आयरन एंड स्टील को स्ट्रक्चर चेंज किया, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया, लेट अस से एक्टिवा का जो साइड वाला वो बोनेट होता है ना, वो बनाया उसने अपनी फैक्ट्री में, वो बना के उसने इसकी प्रोसेसिंग की, उसको बनाया, 120 का उसने रॉ मटेरियल लिया था, 100 का रॉ मटेरियल था, 20 रुपए उसने टैक्स लिए थे, 120 का उसने कन्वर्ट करके वो जो उसका फॉर्म चेंज हुई, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की, 500 रुपए का आगे उसने बेचा। जब वो 500 रुपए का बिका, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा, 50 रुपए का टैक्स लगा, अब ये कितने का हो गया, 550 का। इसको होंडा वालों ने खरीद लिया एक्टिवा बनाने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक्टिवा में लगा दिया, एक्टिवा की प्रोडक्शन हो गई, एक्टिवा बना 50,000 का, उसके ऊपर फिर से टैक्स लगा 3,000 का, ठीक है। आपने जब एक्टिवा खरीदा, आपने कितने पैसे दिए, 53,000। आपने एक्टिवा के ऊपर 3,000 का टैक्स दिया, और वो जो साइड्स बनी थी उसके ऊपर 300 का टैक्स था, वो भी आपको ही बियर करना पड़ा। फिर जो आयरन एंड स्टील 100 रुपए का बना था, उसके ऊपर जो 20 रुपए टैक्स था, वो भी आपको बियर करना पड़ा, टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ा आपको। दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। जब मल्टीपल टैक्सेशन रिजीम होती है तो कस्टमर के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ता जाता है, वो एक ही कमोडिटी के ऊपर 3-4 बारी टैक्स देता है, दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग वर्ड सुना है कभी, जैसे पानी का झरना है, वहां से पानी कास्केड करता है, तो उसी तरह आपके ऊपर ये टैक्स का बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कास्केडिंग इफेक्ट, हम नहीं चाहते थे कि हमारे कस्टमर के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगे, सो इसीलिए कौन सा टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया, GST, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू पे ओनली वन टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्लियर गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, तो नाउ इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज कलेक्टेड ऑन द वैल्यू एडिशन ऑफ द गुड्स। अब ये जो टैक्स है एक्टिवा के 50,000 के ऊपर नहीं लगेगा, 50,000 की वैल्यू है, उसमें आपने 35,000 का मटेरियल यूज किया है, यानी आपने वैल्यू कितने की ऐड की है, 15,000 की, तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, 15,000 के ऊपर। पहले किसके ऊपर लग रहा था, 50,000 के ऊपर, तो ये टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, रैशनलाइज समझते हो, उसको इम्प्रूवमेंट कर दी गई, उसको एक ठीक ढंग से पेश किया गया। सो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड ऑन दी वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ सेल, लिख लो बेटे। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, आप बोलोगे तो मैं ग्रुप में भेज भी दूंगी, क्योंकि NCERT में शायद ये नहीं है, TR-JAN में होगा वैसे। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड ऑन वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस एट ईच स्टेज ऑफ सेल और परचेज इन अ सप्लाई चेन, इन अ सप्लाई चेन। सो GST इज गवर्न्ड बाय अ GST काउंसिल, ठीक है,
जिसका जो चेयरमैन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और बाकी सारे स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर्स हैं। जीएसटी इज गवर्न्ड बाय जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में एक चेयरमैन होता है, और चेयरमैन की पदवी किसको दी जाती है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और बाकी सारे जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं दे आर दी मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये टाइम टू टाइम मीटिंग करते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर में रिवीजन करनी होती है दे डू इट, ठीक है। इंडिया में बेटे जो जीएसटी का रेट है, दिस कैन बी आस्क्ड बेटे, इट वेरीज फ्रॉम 5 to 28%। इंडिया में जो जीएसटी का रेट है इट वेरीज फ्रॉम 5 to 28%। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में जीएसटी का कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ, फ्रांस में दो रेट है, 5.5 and 10%। यूके में 5% है, मलेशिया में 6%, ऑस्ट्रेलिया में 10%, जर्मनी में 19% और जापान में 5%। सो मैक्सिमम टैक्स रेट स्लैब किसका है? इंडिया का है, ठीक है। चार कैटेगरीज हैं रेंजिंग फ्रॉम 5 to 28%। ओके, नाउ लेट्स सी 17 टैक्सेस, ये भी लिख लो। 17 टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सिंगल जीएसटी टैक्स। कितने टैक्सेस को रिप्लेस किया गया है? 17 टैक्सेस को, ठीक है। सम ऑफ देम आर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये करते हो आप आई गेस अकाउंट्स में भी, वैट किया या नहीं? नहीं, जीएसटी किया है ना लास्ट ईयर, क्योंकि अब वैट रिप्लेस हो गया तो फिर नहीं होगा। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पता है आपको? चुंगी बोलते हैं जिसको हम, जब गुड्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं ट्रक में लेके आते हैं, है ना। हरियाणा से पंजाब में ट्रक एंटर कर रहा है तो चुंगी लगती है बॉर्डर्स पे, ऑक्ट्रॉय कहते हैं उसको। लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, मतलब कुछ टैक्स तो ऐसे होते हैं हमने सुने भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो उससे एक्सेट्रा कर लो, 17 टैक्स जो हैं वो रिप्लेस किए गए हैं इंडिया में। क्या ये नहीं है? जीएसटी है वैसे, जीएसटी का टॉपिक तो है ना बेटे? टॉपिक नहीं है जीएसटी का, पीछे बॉक्स में होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेटेस्ट में होगा, होगा बेटे, बॉक्स में दिया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी दोनों इंट्रोड्यूस हुए हैं लास्ट टू लास्ट ईयर, और दोनों होने चाहिए आपकी बुक्स में। अगर पुरानी बुक है उसमें हो सकता है नहीं होंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी? नंबर वन ऑब्जेक्टिव, अ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इन होल कंट्री। अ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम इन होल कंट्री, पूरी कंट्री में हम चाहते हैं एक ही टैक्स सिस्टम हो, यूनिफॉर्म सेम, क्लियर। अनदर ऑब्जेक्टिव, टू मेक इट अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम रादर देन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। टू मेक इट कंजम्पशन बेस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, हम चाहते थे हमारा जो टैक्स है वो कंजम्पशन के ऊपर लगे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम नहीं लगे, कंजम्पशन के ऊपर लगे। देन
टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन कंज्यूमर, टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग मीन्स कंपाउंडिंग इफेक्ट, बार बार लगी जा रहा है उसके ऊपर, एक ही चीज के ऊपर उसको 10 बार ही टैक्स देना पड़ रहा है. टू एलिमिनेट कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर, देन टू रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन, टू रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड करप्शन. बेटे जीएसटी के टाइम पे आपको पता है कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था? एक रीजन टैक्स इसके प्रोटेस्ट का क्या था कि जो लोग पहले टैक्स की चोरी करते थे अब वो टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको अपना इनपुट टैक्स अवेल करना है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. रिटर्न फाइल करोगे तो वो गवर्नमेंट के खाते में आ गई, आगे आप अपनी सेल्स शो करते ही नहीं थे. आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने गए, जैसे फर्नीचर की शॉपिंग की, तो वो आपसे वो पूछते थे बिल लेना या नहीं लेना. आप कहते थे क्या फर्क है, बिल लेंगे तो क्या होगा, बिल नहीं लेंगे तो क्या होगा. वो कहते हैं बिल नहीं लोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, बिल लोगे तो टैक्स लगेगा. तो अगर आप कहते हो हमने बिल नहीं लेना तो वो अपनी सेल शो ही नहीं करते गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं है कि हमने इतनी सेल की है. ठीक है, उसने टैक्स बचा लिया गवर्नमेंट से और आपके भी पैसे बचा लिए और अपनी सेल के प्रॉफिट जो उसका इनकम टैक्स बनना था वो बचा लिया उसने. लेकिन आज ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि योर एवरी सेल इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन सॉफ्टवेयर. ठीक है, ओके. देन टू इंक्रीज टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यू नो व्हाट इज दिस टैक्स टू जीडीपी रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अगर आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशियो 1:100 है, मतलब अगर 100 करोड़ की प्रोडक्शन होती है तो 1 करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास टैक्स से जनरेट होता है. गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहेगी कि कम करना चाहेगी? क्यों? इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए भी जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया. लोग टैक्स की चोरी करते थे तो जिस करके टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम थी. ठीक है, नाउ विद जीएसटी टैक्स रेशियो हैज इंप्रूव्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.